वेलकम टू क्रिएशन टाइम्स, आप सभी का स्वागत है। ये वेजिटेबल मोमोज सभी को पसंद आते हैं। आप इन मोमोज को हरी चटनी के साथ या फिर रेड चिली या टोमेटो सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। वेजिटेबल मोमोज बनाने के लिए मैंने बंद गोभी, शिमला मिर्च, गाजर और प्याज ले लिया है। इन सभी चीज़ों को मैं बारीक बारीक चॉप कर दूंगी। आप कद्दूकस कर सकते हैं या फिर चॉपर का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने वेजिटेबल्स चॉप कर ली हैं, सभी सब्जियों को मिक्स कर दिया है। इन सब्जियों में मैं नमक और काली मिर्च का पाउडर मिक्स करूंगी। अब मोमो शीट तैयार करने के लिए मैंने मैदा ले लिया है। इस मैदे को प्लेन वाटर से गूंद दूंगी। आप देख सकते हैं मोमोज बनाने के लिए हमारा डो रेडी है, स्टफिंग रेडी है। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। एक भगोने में मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, गैस पर चढ़ाया है। मैदे की एक बड़ी लोई बेल करके मैंने छोटी छोटी टिक्कियाँ काट ली हैं और अब इन पर वेजिटेबल्स की फिलिंग करके मैं इनके एजेस मोड़ रही हूँ। आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने मोड़े हैं। मोमोज कई शेप में होते हैं, मैं आपको यहाँ एक ही शेप बता रही हूँ। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी शेप्स बताऊंगी। मैंने मोदक शेप बनाया हुआ है। आज की टिप है, जब हम मोमोज बनाने के लिए बिल्कुल रेडी होंगे तभी हम फिलिंग में सॉल्ट मिक्स करेंगे। अदरवाइज आप सॉल्ट मिक्स करके अगर उसे छोड़ देंगे तो सब्जियां पानी छोड़ देंगी, तो आपके मोमोज अच्छे नहीं बनेंगे। वन सेट ऑफ मोमोज बना लेंगे। स्टील की छन्नी को मैंने ऑयल लगाकर ग्रीस कर दिया है। अब इस पर मोमोज की एक लेयर सेट कर देंगे और उसे उबलते हुए पानी के ऊपर रख देंगे। ध्यान रखें मोमोज एक के ऊपर एक ना हो, नहीं तो वो आपस में चिपक जाएंगे। छन्नी के ऊपर एक थाली या प्लेट ढक देंगे। अब हमारे मोमोज देखिए स्टीम्ड हो गए हैं, इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। मोमोज को आप किसी चटनी या फिर सॉस के साथ सर्व करें और बच्चे इसे बड़े शौक से पसंद करके खाते हैं। तो आप खाइए, खिलाइए, स्वस्थ रहिए। इसी आशा के साथ हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। रेसिपी पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और चैनल पर कमेंट ज़रूर करें, अपने अनुभव मुझसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।